क्या क्या नहीं किया मैंने इंदु के लिए। एक अनाथ बेघर को घर दिया, सोसाइटी में इज्जत दी, बदले में उसने मुझे क्या दिया? दो सड़क छाप बच्चों के लिए मुझे छोड़ दिया। पाप भी वापस जरूर आएगी। आपके बोलने से आएगी? ना जी, मेरा आइडिया आजमाने से आएगी। तुसी काम करो, पापी जी को तलाक की एक कड़क नोटिस टोक दो, सारी अकल निकल जाएगी, मुंह में मंगलसूत्र था में दौड़ी चली आएगी। इंडियन औरतें अपना कर टूटते देख के टूट जाती हैं, समझे? वापस आ जाएगी ना? आप कुछ मत सोचिए, एक डिवोर्स नोटिस भेज दीजिए। ये क्या है इंदु? नवीन ने तलाक के कागज भेजे, तुमने साइन कर दिए? हाँ, शादी करते वक्त भी इतना कहाँ सोचा था जो अब सोचती। ये जो रिश्तों के भूत होते हैं ना इंदु, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। साथ रह के तो अच्छी बीवी नहीं बन पाई, हो सकता है अलग होके सुखते पाऊं। आइए। सोडी जी, बच्चों को लेने आए, सरकारी निगरानी में रखना होगा, लेके जाओ इनको। पर क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप नेक्स्ट फ्लाइट से। सोडी जी, ये झूठ है, आपको नवीन ने भेजा है। छोड़िए उनको, नवीन ने भेजा आपको, नवीन ने भेजा है। इमरजेंसी का वक्त है, बहस करने का टाइम नहीं है, लेके जाओ इनको। सोडी जी, मैं कुछ छोड़ी ना इनको। हिंदु जी, आई एम वेरी सॉरी, ऊपर से ऑर्डर है। कुछ कर लूंगी सोडी जी, मैं कुछ तो कर लूंगी। आप हटिए, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, करो सोनी जी, बच्चों को लोग कुछ कीजिए, मत करिए प्लीज। सोनी जी, इनसे तुम पूछिए। सुनीता, डालो बच्चों को अंदर। सोनी जी, आप ठीक नहीं कर रहे, मातरम।
अरे नाना जी आप बैठिए। हिम्मत इंडिया के साथियों, अपनी मातृभूमि में गुनहगारों की तरह भेस बदल बदल कर इलाहाबाद से यहां तक पहुंचा हूं। खैर, मेरी छोड़ो मृत्यु के सामने ही नई जिंदगी है। मुझे गर्व है कि तुम सब भारत देश की दूसरी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हो। सरकार ने इमरजेंसी थोपकर जनता की जो आवाज दबाई थी, वो आज आक्रोश की फसल बनकर उगाई है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया। अब एक अनोखा मौका आया है, अ न्यू चैलेंज। गवर्नमेंट में हमारे कुछ सपोर्टर्स ने हमें बताया है कि पीएम ने फॉरेन डेलीगेट को बुलाकर गौरव सभा का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस में बेशर्मी से झूठ बोला जाएगा और प्रचार होगा कि देश में सर्वत्र लोकतंत्र की लहर है और इस आजाद देश में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। तो हमें उन विदेशियों के सामने झूठ के इस उत्सव को उद्ध्वस्त करना ही होगा। आप सब तैयार हैं? बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नाना जी, सत्याग्रह और शांति से कुछ नहीं होगा। इमरजेंसी को 15 महीने हो गए हैं और ऐसे ही चलता रहा ना, 1 साल 2 साल तो लोग मरते रहेंगे, डरते रहेंगे, हमारे लीडर्स जेल में सड़ते रहेंगे, हम लोग कब तक पर्चियां ही बांटते रहेंगे? स्टॉप इट शिवम। शिवम, गुस्से में बड़ी ताकत होती है, गुस्सा बचा कर रखो। और याद रहे कि शुरुआत से हमने फैसला किया है कि हथियार ना उठाना ही हमारा हथियार होगा। लेकिन हाथ जोड़ के तो हमें कभी हक नहीं मिलेगा। शिवम, अब और कोई बहस नहीं। तो हम उस विदेशी डेलीगेशन के सरकारी तमाशे में जोर शोर से विरोध करेंगे और उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू की जाए, ठीक है? जी जी, जी बिल्कुल जी, जी नाना जी। इंदु, मेखला ने तुम्हारी आपबीती बताई। अफसोस, हमारा संगठन तुम्हें उन बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटी, वो झरना होता ना, झरना पहाड़ों से गुजर कर भी अपना रास्ता निकाल लेता है, किसी भी हालत में, किसी भी दिशा में। नाना जी, मैं समझी नहीं। मैंने सुना है कविताएं लिखती हो, अपने आक्रोश को आंसुओं में ढालकर कुछ भी लिख सकती हो। क्रांतिकारी कविताएं लिखो। इंदु, भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है। तुम वो बेटी बनो जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके। तो बोलिए मिस्टर जानी, ये फॉरेन डेलीगेट्स की गौरव सभा के लिए कितने तैयार हैं हम? ये देखिए सर, शुभ विवाह रमेश और वीना, ये किसकी शादी का न्योता है? सर जरा इनविटेशन तो पढ़िए। एक्टिविस्ट लोग नकली शादी का कार्ड छापकर सरकार के खिलाफ आपस में मैटर एक्सचेंज कर रहे हैं। अरे पर ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बताइए मुझे। We are on it, sir. In fact, हमने कार्ड्स पर छपे एड्रेस का पता लगाकर कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। और पकड़े गए कुछ लोगों से हमने पता किया है सर कि केटरिंग सर्विसेज के कुछ लोग हैं जो टिफिन में पर्चे छुपा छुपा कर घर घर भेज रहे हैं। और यहाँ तक कि सर, तिहार जेल से निकले हुए क्रिमिनल्स भी विरोधियों का साहित्य अंदर से बाहर पहुँचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसे काफी विरोधी ग्रुप का पता लगाया है और हमारी नजर है उन पर। सानी, किसी को छोड़ना मत, सबको पकड़ लो। कोई जरा सा भी शकमंद लगे उसे उठाकर जेल में डाल देना मीसा के तहत। डोंट वरी सर, पुलिस से मिलकर हम इसी में लगे हैं। बी रेस्ट अश्योर्ड, वी विल टेक केयर ऑफ द मैटर सर। ठीक है। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। सानी सर, एक बात अच्छे से याद रखना, हाई कमांड से बहुत ज्यादा प्रेशर है।
फॉरेन डेलीगेट्स के सामने अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो मेरी कुर्सी तो जाएगी ही, तुम लोग भी अंडमान में नजर आओगे। Got it? जी सर। जी। निकला के घर पुलिस पहुंच गई है। अभी यहां से जल्दी निकलिए। कौन आई है? इनको कुछ नहीं पता है, ये मेरे यहाँ पर सिलाई सीखने आती हैं। अपने कपड़े ले लेना तुम अंदर से, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो लेकर चलो, चलो मैडम, चलिए चलो जल्दी, चलो हटो यहाँ से, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। हाथ से सरकती रेत की तरह सब कुछ छूट रहा था, पहले घर, फिर बच्चे, और अब मेखला का साथ और मेरी हर समस्या की जड़ इमरजेंसी थी। मैंने ठान लिया कि अत्याचार के इस अंधकार के सामने आक्रोश का पत्थर तो तबीयत से उछालना ही पड़ेगा। साथियों, हमें अफसोस नहीं, अभिमान है कि मेखला, निहाल और हमारे अन्य साथी हमारी इस लड़ाई में लड़ते लड़ते पकड़े गए हैं। अगर संकट बड़ा है तो हमारा संकल्प भी बढ़ेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। जी हाँ नाना जी, जी, नाना जी। शौकत, अगले हफ्ते जो फॉरेन डेलीगेट्स के सामने पर्चे हमें फेंकने हैं उनका इंतजाम हो गया है? जी नाना जी, हमारे समर्थक सेठ किला चंद अग्रवाल, उन्होंने हमारे लिए नई प्रिंटिंग मशीन का इंतजाम कर दिया है। गुड। जेनी, ये उस हॉल का नक्शा है जहां पर यह सरकारी अधिवेशन होने वाला है, पुलिस का भारी इंतजाम होगा। यहां इन ग्रीन सीट्स पर हमारे कुछ लोग होंगे जो अचानक भगदड़ करेंगे, पुलिस का ध्यान बटाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज टू सीट्स, या आगे की दो सीटों पर जेनी तुम और पियू तुम पत्रकार बनकर बैठोगी और फिर तुम इन फॉरेन डेलीगेट्स के सामने स्टेज पर पर्चे फेंकोगी और अंग्रेजी में नारे लगाओगी। इज दैट क्लियर? यस जी नाना जी। व्हाट वी हैव हियर इज, ये काम मैं करना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है, गिरफ्तार हो सकती हो, कर पाओगी? अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। इंदु, ये सरकारी अधिवेशन है, इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारे अपने भी शत्रु बनकर तुम्हारे सामने आ सकते हैं, हाथ कांपेंगे तो नहीं? अर्जुन के इरादे हिल सकते हैं, घायल द्रौपदी के नहीं। Thank you.
इसी कार में। क्या ये निकाल आए थे यहाँ पर? वेलकम वेलकम ये लो पर्चे, और प्लान के मुताबिक भागने के लिए गाड़ी पीछे खड़ी रहेगी। और नाना जी ने कहा है कि जब तक उनकी तरफ से कोई संकेत ना मिले, हम सबको अंडरग्राउंड रहना होगा। ठीक है, संभाल के, ऑल द बेस्ट। चले मेक श्योर रिस्पॉन्सेस के बाद के सारे इंतजाम बराबर है। ओके श्योर, ओके। Good evening. On behalf of the Indian government, it's my privilege and honor to welcome the distinguished members of the Parliament of the Commonwealth Nations. Hitler Shahi, Nana Shahi, nahi chalegi, nahi chalegi, Hitler Shahi. देखो